नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। थोड़ी आलू से हटकर वीडियो है। कई लोग मेरे को फ़ोन कर रहे थे जो मेरे राजस्थान से लोग जुड़े हुए हैं, जो भी आगरा की और राजस्थान की जो बॉर्डर वाली सी जगह हैं वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं जो सरसों की बुवाई करते हैं। उन लोगों ने मेरे को कई दिन से वीडियो में बताया कि शर्मा जी स्टार एग्री सीड की सरसों आई है 10-15, उसके बारे में ज़रा हम लोगों को जानकारी दे दो। और दोस्तों ये साइड में आपको दिखाई दे रही है, ऐसी इसकी पैकिंग आती है स्टार एग्री सीड कंपनी की। 10-15 जो वैरायटी है उसके बारे में आप सभी लोगों को एक संक्षिप्त में जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों सरसों इस बार आलू वाले बहुत से किसान ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत सरसों बोना चाहते हैं हमारे भी क्षेत्र में। तो दोस्तों मेरा काम आप लोगों को अपडेट करना है, चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कौन सा बीज आपको पसंद आता है, पर मुझे जानकारी देना है कि जब मेरे पास इंक्वायरी आ रही है तो मैं किसानों को जानकारी दूं कि हाँ स्टार एग्री सीड भी कोई कंपनी है जो कि सरसों का बीज इस साल हर साल मार्केट में देती है और एक वैरायटी 10-15 लेके आई है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी दे दूं, ये मध्यम अवधि की फसल है, लगभग 125 से 130 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। अधिक उपज देने वाली कम से कम 12 से 14 क्विंटल पर एकड़ में इसकी पैदावार हो जाती है। अधिक शाखाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ आएंगी तो पैदावार अच्छी रहेगी। लगभग 6 से लेकर 8 शाखाएं इसमें निकलती हैं और लंबाई लगभग इसकी 75 से 80 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। और फलियां ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, जब शाखाएं ज़्यादा आएंगी तो ऑटोमेटिक फली ज़्यादा आएंगी। और फलियों में दाने लगभग 22 से लेकर 24 दाने एक फली में निकलते हैं दोस्तों, और लंबाई 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर की होती है। दानों के में अधिक तेल की मात्रा होती है, लगभग 41 से 43% तेल की मात्रा होती है। दोस्तों पौधों की जो शाखाएं हैं वो नीचे से एकदम फुटान बढ़िया करके आती हैं और वाइट रस्ट के प्रति ये सेंसील है। जो रोग आता है जो वाइट रस्ट वो नहीं आता है इसमें, और पौधे डाउनी मिल्ड्यू जो आता है दोस्तों रोग उसको सब जानते हैं, उसके प्रति भी ये सेंसील रहती है, उसमें रोग नहीं आते हैं। और इसके जो बीज है वो क्या कहते हैं उपचारित आता है, जिससे जितनी भी मृदा जनित जो भी बीमारी होती है, ज़मीन में फंगस वगैरह होता है जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, वो नहीं इसमें आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दोस्तों स्टार एग्री सीड की 10-15 सरसों के बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्वायरी मेरे पास आ रही थी किसानों की, इसलिए मैंने कंपनी वालों से बात की और फिर उन्होंने मेरे को जानकारी दी, फिर मैंने आप लोगों को वो जानकारी साझा करी, क्योंकि ये दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, सरसों वाले जितने भी आपके किसान हैं रिश्तेदार हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद।